हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मैक्सवेल इक्वेशन इंट्रोड्यूस कर दी थी और मैक्सवेल का हमने फॉर्मूला भी लिखा था। वापस से वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला जो था dn इक्वल्स टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई आर टी e की पावर माइनस m u स्क्वायर 2 आर टी u स्क्वायर इंटू डी, जहां पर मैंने आपको बताया था कि dn जो है बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड u से u प्लस du है। अगर हमें किसी रेंज के बीच में, लेट से 100 से 200 मीटर पर सेकेंड के बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने, तो इसे 100 से 200 के बीच में इंटीग्रेट करना होगा, 200 से 300, 300 से 400, तो इस तरह से हम किसी भी रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और सिंस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो हमने ये कहा था कि किसी भी रेंज में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, राइट। उसके बाद में लास्ट क्लास में हमने यहाँ पर फॉर्मूले भी डिराइव किए थे यू एवरेज का, जो कि हमारे पास आया था 8 आर टी बाई पाई एन और यू आर एम एस विच इज 3 आर टी बाई एम। ये डिफरेंट स्पीड है, अलग अलग तरह की स्पीड के फॉर्मूले हैं, एवरेज स्पीड, रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड या एवरेज स्पीड, बिकॉज हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड वेरी कर रही है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो कंटेनर के अंदर हम एवरेज स्पीड ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस भी जैसा मैंने लास्ट क्लास में कहा था डायरेक्ट इसी तरह से आएंगे कि फाइंड यू एवरेज स्पीड या फाइंड यू आरएमएस स्पीड, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। कभी इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बताओ स्पीड क्या होगी, मेंशन होगा कि एवरेज स्पीड या आरएमएस स्पीड। अब इस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पर एक न्यूमेरिकल यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं। फाइंड यू आरएमएस स्पीड फॉर हाइड्रोजन एट 300 केल्विन, यू आर एम एस स्पीड फॉर हाइड्रोजन एट 300 केल्विन। सॉल्व करिए, डेटा पुट करिए, देखते हैं, फिर आप चेक करिए कि क्या आपने डेटा जो पुट किए हैं वो सही है या नहीं है, कैलकुलेशन कितनी है वो भी देखिए। पुट कर चुके हो वैल्यूज, सॉल्व भी कर सकते हैं, कितनी आ रही स्पीड। अच्छा, कंफ्यूजन है या नहीं, क्या रही स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, क्या आ रही है। चलिए निकाल के देखते हैं। तो पहला कंफ्यूजन तो आता है कि R की वैल्यू क्या पुट करें, यहां पर R की वैल्यू क्या पुट करी की जाए, क्या 0.0821 या 8.314। तो मैं आपको बता दूं यहां पर सारे डेटा आपको SI यूनिट में पुट करने हैं, 0.0821 नहीं कर सकते हो, SI यूनिट में पुट करना होगा। यानी R की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहां पर, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ, इसको रफली अभी थोड़ी कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं 25/3 लिख रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। टेम्परेचर 300 केल्विन अपॉन मॉलिकुलर मास, विच इज यहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, मॉलिकुलर मास 2 नहीं, 2 × 10⁻³ किलोग्राम, में SI यूनिट की मैंने बात की थी, किलोग्राम पर मोल, और सारी यूनिट्स हम SI यूनिट्स में पुट कर रहे हैं, इसीलिए जो हमारा आंसर आएगा यू आर एम एस स्पीड का वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये 3 से 3 कैंसिल, इसको अब हमें सॉल्व करना होगा। रफली अगर मैं लिखूं यहां पर तो 37.5 3
डिवाइड बाय 2 इंटू 10 इज टू पावर, ये पॉइंट हटा दिए तो 10 इज टू पावर 4, ठीक है। और अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना होगा, तो 375 का स्क्वायर रूट रफली, एग्जैक्टली तो नहीं लेकिन आप कुछ इस तरह से आप कह सकते हो, नियर बाय अभी मैं लिख लेता हूं, इसको 20 ले रहा हूं मैं, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा इंटू 10 इज टू पावर 2, ये किसमें है, मीटर पर सेकेंड, 2000 मीटर पर सेकेंड। नॉर्मली आप और हम जब स्पीड की बात करते हैं ना कार्स की बाइक्स की, तो किसमें बात करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो अगर मैं इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूं तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 18/5, तो 20 इंटू 10 इज टू पावर 2 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर 4, यानी 7200 किलोमीटर पर आवर, 7200 किलोमीटर पर आवर, सोच पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, एक कार जो अच्छी खासी स्पीड में भी चल रही होती हाईवे पर 100-120 किलोमीटर पर आवर, यहां पर स्पीड कितनी है, 7200 किलोमीटर पर आवर। एक जो कमर्शियल प्लेन होता है ना उसकी भी स्पीड पता है कितनी होती, 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती, 1100-1200 किलोमीटर पर आवर की, ये उससे भी बहुत ज्यादा है। यानी हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल अगर रूम टेम्परेचर पर है तो उसकी स्पीड एक प्लेन की स्पीड से भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा, कम हो जाएगी, बट कितनी कम होगी, ठीक है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट 2000 किलोमीटर पर आवर इस रेंज में तो वो स्पीड होगी। यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल जो एयर में ट्रेवल कर रहे हैं उनकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, यानी बहुत ज्यादा है। अब आपको लग रहा है नहीं सर इतनी थोड़ी होगी, हमारे तो लगती तो है ही नहीं, पता ही नहीं चलता, तो उसका मास बहुत ही कम है लेकिन स्पीड इतनी ही है, इतनी ज्यादा स्पीड से वो मूव करते हैं। तो गैसेस की स्पीड का एक आइडिया होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट से जब मैं पूछता हूँ कि स्पीड क्या होगी तो होगी सर कुछ 5-10 किलोमीटर पर आवर इस तरह से, नहीं, गैसेस मॉलिक्यूल्स की इवन रूम टेम्परेचर पर जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी कह सकते हो 3-4 digit के अंदर वो इनकी स्पीड्स होती है, ठीक है। तो जस्ट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, मास हमेशा किलोग्राम में पुट करोगे, आर की वैल्यू जो है वैसे एग्जैक्टली 8.314 है, बट थोड़ा कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पर अच्छी खासी मिस्टेक होती है तो इसको याद रखना। तो ये तो बात होगी जनरल, स्पीड कैसे निकालेंगे, आरएमएस स्पीड कह सकते हो या यूआरएमएस स्पीड। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। नाउ ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इस इक्वेशन से अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि बताओ 100-200 मीटर पर सेकंड के बीच में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे या 200-300 के बीच में, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन। आप यही कहोगे सर वो तो इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन से ठीक, अभी हमने कुछ फॉर्मूले भी डिराइव किए लेकिन उसके लिए भी हमने इंटीग्रेट तो नहीं किया, तो इस इक्वेशन से अगर हमें कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं तो हमें इस इक्वेशन को प्लॉट करना होगा। यस अगेन, इस इक्वेशन को प्लॉट करना भी हमारे लिए मुश्किल है, तो यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं कि इस इक्वेशन का कर्व कैसा होता है। तो अगर वो कर्व हमारे पास है तो उससे हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं यहां पर इस इक्वेशन को कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, इसका कर्व कैसा होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हाँ, लेकिन जो कर्व हम यहां पर प्लॉट करते हैं उसमें भी कुछ चेंजेस है, कैसे प्लॉट करते हैं वो मैं बता दूं। तो एक तो यहां पर ये जो डी यू वाली टर्म, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया डी एन, और इस एन को भी हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। dn क्या थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द कंटेनर। तो dn अपॉन n को आप क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, जो कि किसी रेंज के बीच में होंगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड u से du के बीच, u से u प्लस du के बीच में होगी। इस तरफ क्या बच गया, 4π m upon 2πRT e^(−mu²)2RT u²।
ये हमारा हो गया वाई और u हो गया हमारा x। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये तो सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, m, t, यानी ये जो कर्व हम प्लॉट करेंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है तो 300 केल्विन या 400 केल्विन या 500, तो वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। वेरिएबल क्या है, यहां पर ये हो गया वाई और ये यू जो है वो हमारा हो गया एक्स। तो राइट नाउ अगर हम देखें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से है, सी वन ई की पावर माइनस कुछ और कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। यस, रिकॉल करिए मैंने आपको बताया था इस तरह की कोई भी जो इक्वेशन होती है, ये तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन हाँ, वाई इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, इस तरह की कोई भी इक्वेशन जो है, चाहे अब यहां पर एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, यहां पर भी एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो या एक्स क्यूब हो, इन सब का कर्व इसी तरह से आता है। एक मैक्सिमा आता है फिर वापस वैल्यूज कम होती है, तो यहां पर भी एक स्टैंडर्ड कर्व है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहां पर अगर हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन वन अपॉन डी यू, ये हमारा हो गया वाई, डी एन अपॉन एन यू, तो ये जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह से होगा। हाँ, अब यहां पर क्वेश्चन सबसे पहला ये आता है कि ये जो y एक्सिस पर है ये क्या है, वन अपॉन डी यू इंटू डी एन अपॉन एन, ये क्या है वो अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो वन बाय वन करके हम यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, वो आप नोट करते जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट, अगेन यहां पर आई थिंक आप सबको पता है कोई भी जो कर्व होता है y वर्सेस x का, लेट से ये y वर्सेस x का कर्व है, तो यहां पर आप सबको अगर मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है तो ये एरिया किसके बराबर होता है, y dx, ये जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, y इंटू dx, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस कर्व का एरिया सोचू, एरिया अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये मेरा हो गया y, 1 अपॉन du dn अपॉन n इंटू du, ये y dx, ये y और ये dx, du से du कैंसिल, तो ये क्या आ गया, समेशन ऑफ dn अपॉन n, समेशन ऑफ dn अपॉन n। यहां पर आपने लेट से पुट कर दिया 100 से 200 लिमिट लगा दी, तो ये क्या दे रहा है आपको, ये एरिया किसके बराबर है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपने इसको 100 से 200 के बीच में इंटीग्रेट किया है तो ये एरिया किसके बराबर होगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड 100 से 200 के बीच में होगी, तो ये जो एरिया है वो आपका किसके बराबर आ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। इसको ऐसे समझ लो कि लेट से ये 100 और ये 200, तो ये 100 से 200 के बीच में ये जो एरिया है ये एरिया किसके बराबर है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड 100 से 200 के बीच में होगी, तो एरिया जिसका ज्यादा होगा उसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे, एरिया कम है दैट मींस फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स भी कम है। जैसे यहां पर अगर मैं एक और कॉलम बना लूं, ये 100 ये 200, यहां पर मैं लिख रहा हूं 300, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको 100 से 200 के बीच में ना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे या 200 से 300 के बीच में, तो डेफिनेटली 200 से 300 के बीच में फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, लेकिन क्या लगता है आपको ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, नहीं, यहां तक बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आपने और आगे की रेंज ली तो फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे नहीं, कम होंगे। और देखिए फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एक वर्ड है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को फिर से आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पता चल जाएंगे, तो ये जो कर्व है जरूरी नहीं कि हम इस n को इधर शिफ्ट करें, n को इधर शिफ्ट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर n को शिफ्ट किया तो फिर ये एरिया क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, और अगर n को शिफ्ट नहीं किया तो ये एरिया आपको क्या बताएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां पर ये जो एरिया है वो आपको क्या बता रहा है, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, इसीलिए यहां पर बहुत सारी बुक्स में y एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स लिख दिया जाता है, y एक्सिस इज नॉट फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, एरिया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, क्या यहां पर मैं इसकी जगह एरिया लिख दूं, गलत होगा या नहीं होगा, ये एरिया नहीं, ये y एक्सिस पर एरिया नहीं है, एरिया किसके बराबर है, y into dx, ये टर्म फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं है, ये टर्म फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल नहीं है,
फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल किसके बराबर है, y इंटू डी एक्स, मतलब किसके बराबर है, एरिया के बराबर है, राइट right? तो अब आप यहां से कह सकते हो इस कर्व को अगर हम देखें तो पार्टिकल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है, पार्टिकल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है वो भी बहुत कम है, और पार्टिकल्स जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो भी बहुत कम है, यानी जनरली पार्टिकल्स की स्पीड जो है वो इन बिटवीन है, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। ये अब हम यहां से इस कर्व के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहां से तो नहीं समझ में आ रहा था लेकिन इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद ये हम समझ पा रहे हैं। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो, पार्टिकल्स विथ वेरी स्मॉल स्पीड और लार्ज स्पीड, विथ वेरी स्मॉल स्पीड और लार्ज स्पीड, हाई स्पीड कह सकते हो, स्मॉल को काट दो, स्मॉल वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, पार्टिकल्स विथ वेरी लो स्पीड और हाई स्पीड, लो स्पीड और हाई स्पीड आर स्मॉल इन नंबर्स, आर स्मॉल इन नंबर्स, उनका नंबर ज्यादा नहीं होता है, ये अब हमें इस कर्व से पता चल रहा है। थर्ड पॉइंट, अगर हम इसको जीरो से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें तो जो टोटल एरिया है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर दें इसको वाई डी एक्स को, तो जो टोटल एरिया है ये पता कितना आएगा, क्योंकि ये टोटल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिनकी स्पीड जीरो से लेके इंफिनिटी तक है, जीरो से लेके इंफिनिटी, तो टोटल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल, टोटल फ्रैक्शन तो हमेशा किसके बराबर होगा, वन के बराबर ही होगा, तो ये टोटल एरिया हमेशा किसके बराबर आएगा, वन के बराबर आएगा, इस कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व वो हमेशा वन के बराबर होगा, क्योंकि एरिया, टोटल एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल फ्रैक्शन, और टोटल फ्रैक्शन क्या होता है, वन। हाँ, लेकिन यही अगर हमने यहां से एन हटा दिया फिर कर्व प्लॉट करेंगे तो फिर एरिया वन के बराबर नहीं होगा, फिर एरिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होगा, यानी फिर एरिया किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अब यहां पर ये जहां पर मैक्सिमा आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देखिए, वैसे तो मैंने आपसे पहले भी कहा था इस चैप्टर में या मैक्सवेल के थ्रू हम किसी पर्टिकुलर स्पीड पर कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमेशा किसी रेंज में कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अगर रेंज बहुत छोटी हो, रेंज बहुत छोटी हो तो ठीक है, कह सकते हैं 100 से 101 के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप स्पीड 100 बोल सकते हो या 100.5 बोल सकते हो, क्योंकि ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यहां पर भी कहीं भी अब मैं अगर इस तरह की लैंग्वेज बोल रहा हूँ कि इसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, 200 मीटर पर सेकंड है, तो आप इस तरह से सोच लीजिए कि अगर मैं बोल रहा हूँ 100 तो इसका मतलब 100 प्लस 100 से लेके 100 प्लस 1 के बीच में, इससे थोड़ा आसान रहेगा समझने में, अदरवाइज तो ये सब हम इंटीग्रेट करके करते हैं, लेकिन लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए मैं आपको इस तरह से कह रहा हूँ कि आपको इस तरह से सोचना है। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ, यहां पर जो मैक्सिमा आ रहा है उस स्पीड को हम कहते हैं UMPS, UMPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या है ये, चलिए वो डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट, UMPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब यह है सिंस यहां पर अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करूं, मान लेते हैं UMPS से UMPS प्लस 1, तो UMPS से UMPS प्लस 1 तो जो एरिया आएगा वो बाकी किसी स्पीड के लिए अगर हम उससे कंपेयर करें
और वहां पर भी प्लस वन करें तो उससे ज्यादा एरिया होगा। जैसे इसको मैं मार्क कर देता हूं यू वन, तो यू एम पी एस प्लस वन और यू वन प्लस वन, इस रेंज में अगर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करें तो कहां पर ज्यादा होंगे, यहां पर ज्यादा होंगे, क्योंकि यहां हाइट ज्यादा है तो एरिया ज्यादा होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि ज्यादा पार्टिकल्स इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, ज्यादा पार्टिकल्स इस स्पीड से या इस स्पीड के आसपास मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं कंटेनर में से कोई एक पार्टिकल निकालता हूं तो उसके कौन से स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, U1 या UMPS? UMPS। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसके आसपास ज्यादा पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की अगर कंटेनर में से कोई एक पार्टिकल सेलेक्ट करोगे तो उसकी कौन सी स्पीड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर इज UMPS। अब ये क्या हम ये निकाल सकते हैं? यस, ये हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और मैक्सिमा निकालने के लिए उसको डीवाई बाई डी एक्स को क्या करना होगा, जीरो। तो यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं वाई लिख देता हूं। देखिए अब डीवाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये तो हमारा हो गया वाई, ये सब कॉन्स्टेंट है, इसको मैं सी लिख देता हूं, तो वाई कंफ्यूज मत हो जाना, इसको मैंने सी लिख दिया, सी ई की पावर माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन टू आर टी इंटू यू स्क्वायर। dy by du लिख देता हूं, बाई पार्ट्स डिफरेंशिएशन होगा तो u स्क्वायर को पहले कर दिया d 2u e की पावर माइनस एम यू स्क्वायर टू आर टी माइनस u स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर टू आर टी इंटू माइनस ट्वाइस एम यू अपॉन टू आर टी। ये कॉमन आ जाएगा, सी यू भी कॉमन आ जाएगा, सी यू ई की पावर माइनस एम यू स्क्वायर टू आर टी, यू कॉमन आ गया टू माइनस यहां से u और 2 से 2 तो कैंसिल, तो m u अपॉन r t इक्वल्स टू 0। यहां से ये u स्क्वायर हो गया 2 rt, इधर इसको 0 कर दोगे तो u स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको 0 कर रहा हूं तो u इक्वल्स टू अंडर रूट 2 rt बाय अंडर रूट टू आर टी बाई एम। एक और स्पीड हमारे पास आ गई जिसे हम क्या बोलते हैं, यू एम पी एस, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अभी तक दो स्पीड थी, ये भी एक तरह का एवरेज ही है, मतलब इसको भी आप इसी तरह से यूज कर सकते हो, मीन मोड मीडियन वर्ड ये यूज किए आपने, राइट तो ये एक तरह का क्या है, मोड है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स की स्पीड इसके बराबर होगी। तो ये भी एक तरीका कि जैसे हम होता ना कि दो क्लास की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है, कंपेयर करना, तो एक तरीका तो क्या है कि इस क्लास के एवरेज मार्क्स निकाल लो, दूसरी क्लास के एवरेज मार्क्स निकाल लो, ये एक तरीका होता है। बट समटाइम्स ऐसे भी कंपेयर किया जाता है कि नहीं, इस क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो ज्यादा है या दूसरी क्लास में हाईएस्ट मार्क्स ज्यादा है, ये भी एक तरीका हो सकता है। मान लो इस क्लास में किसी के 99% आए, दूसरी क्लास में किसी एक स्टूडेंट के 97 आए, तो बस इस क्लास ने बेटर परफॉर्म किया, बाकी स्टूडेंट्स के मार्क्स को हम कंपेयर नहीं कर रहे। या तीसरा तरीका ये होता है कि इस क्लास के अंदर ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कौन से मार्क्स ऑप्टेन किए, दूसरी क्लास में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने कौन से मार्क्स ऑप्टेन किए, आप उनसे कंपेयर कर लो। तो ये बहुत सारे तरीके होते हैं। तो खैर हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, UMPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस पर भी आ सकते हैं। नाउ यहीं पर अब एक और क्वेश्चन आता है, छोटा सा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, या क्वेश्चन की तरह लिख रहा हूं, बट फाइंड फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग बिटवीन UMPS 2 UMPS प्लस 1, इस रेंज के बीच में कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है।
UMPS से UMPS plus 1 के बीच में कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहां पर U की जगह क्या हो गया UMPS और DU की जगह क्या हो गया 1, पुट कर देते हैं इसको। तो DN अपॉन N 4 pi, ये DN अपॉन N, DU को इधर लेके आ गया 4 pi M अपॉन 2 pi RT 3/2 E की पावर, U की जगह मैं क्या लिख दूंगा UMPS और UMPS की वैल्यू क्या है √2 RT/M। तो यहां पर ये M अपॉन 2 RT और यहाँ U स्क्वायर तो 2 RT/M, फर्दर U स्क्वायर तो 2 RT/M और DU की जगह क्या आ गया 1। ये E की पावर क्या हो गया -1, यहां से मैं पाई बाहर निकाल रहा हूं तो पाई की पावर 3/2, एक यहां पर है तो 4/√5 बचेगा। M अपॉन 2 RT की पावर 3/2 और 2 RT अपॉन M, तो यहां पर क्या बचेगा M अपॉन 2 RT की पावर 1/2 E की पावर -1। ये क्या है फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। हाँ आप कह सकते हो सर आपने तो बिना इंटीग्रेट करके ही निकाल दिया, तो वही मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर रेंज बहुत छोटी है तो हम बिना इंटीग्रेट करके कर सकते हैं, ठीक है, कुछ एरर जरूर है बट नियर बाय आंसर तो इससे आ ही जाएगा। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये हमें क्या बता रहा है, ये जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स है जिनकी स्पीड UMPS से UMPS प्लस 1 होगी। अब मैं इसको UMPS से UMPS प्लस 1 नहीं बोलूंगा, अब मैं सिंपली से क्या बोलूंगा UMPS ही बोलूंगा क्योंकि वो प्लस 1 बहुत कम छोटा है। तो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जिनकी स्पीड UMPS होगी वो इसके बराबर होगा, जैसे जैसे एम बढ़ेगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, जैसे जैसे टी बढ़ेगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल कम होगा। मतलब इसका यह है कि ये जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल है स्पीड इसकी हाइट बेसिकली, क्यों, क्योंकि विड्थ तो हमने फिक्स कर दी 1, तो अगर m बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ेगी क्योंकि m बढ़ने पर एरिया बढ़ेगा, m बढ़ने पर फ्रैक्शन बढ़ रहा है, फ्रैक्शन बढ़ रहा मतलब हाइट बढ़ रही है, तो m बढ़ने पर इस कर्व की हाइट बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ने पर इस मैक्सिमा की हाइट कम होगी। यहां पर मैं 2 सेंटेंस यूज कर रहा हूं, उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, उसे बार बार रिपीट करोगे तभी क्लियरिटी होगी। एक तो हम बात कर रहे हैं UMPS की और एक हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो कि UMPS से मूव कर रहे हैं। मैं अब वापस UMPS की बात कर रहा हूं। UMPS जो है टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने पर कम होती है, जबकि फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है जो कि UMPS से मूव कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो कि UMPS से मूव कर रहे हैं वो m बढ़ने पर बढ़ रहे हैं और t बढ़ने पर कम हो रहे हैं, यानी उल्टा। मतलब आप इसे यूं कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो UMPS की वैल्यू तो बढ़ेगी, अगर पहले UMPS 200 मीटर पर सेकंड थी तो अब 300 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेंगे नहीं, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो कि UMPS से मूव कर रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो लिख सकते हो एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, 6 पॉइंट लिखे, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ब्रैकेट में लिख दो और, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीजेस UMPS increases but fraction of particles, fraction of particles moving with UMPS decreases. ठीक है, अब
इसको अभी हम यूज करेंगे, जो पॉइंट मैंने लिखवा है ना इसको अभी हम यूज करेंगे। लेकिन अब ये जो कर्व हमने यहाँ पर प्लॉट किया ना, ये कर्व किसी T1 टेम्परेचर पर और किसी गैस के लिए कह सकते हैं, यानी कर्व जो है वो किसी T1 टेम्परेचर पर किसी गैस का है, मान लेते जिसका मॉलिकुलर मास क्या है, m1। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम टेम्परेचर और मॉलिकुलर मास चेंज करेंगे तो इस कर्व में क्या चेंजेस आएंगे, वो अब हमें फाइंड आउट करना है। तो टेम्परेचर और मॉलिकुलर मास चेंज करने पर उसका इफेक्ट क्या होगा, वो अब हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक 7th पॉइंट कह सकते हो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर डिस्कस करते हैं, टेम्परेचर पता चल गया तो ऑटोमेटिकली मॉलिकुलर मास पता चल जाए। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, अब यहां पर लिसन इट केयरफुली, थोड़ा मैथमेटिकल है, कुछ सिंपल से तरीके से मैं बता रहा हूं। तो जब मैं सिंपल से तरीके से बता रहा हूं तो उसमें ज्यादा ये मत सोचना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो हमें मैच करना चाहिए हमारा, जो कि एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो लेकिन मैं आपको उसका जो तरीका है वो थोड़ा सिंपल सा करके बता रहा हूं, तो बस आप उस तरीके को फॉलो करिए, उसमें ये मत सोचे कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ये जो कर्व है ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, ऑब्वियसली इस कर्व में एक्स चेंज हो ही रहा है, उसके कारण वाई चेंज हो रहा है। लेकिन अब हम इसी कर्व को दो अलग अलग टेम्परेचर पर प्लॉट करना चाहते हैं, T1 और T2 पर प्लॉट करना चाहते हैं, क्या होगा, T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट। अब यहां पर हम देखें तो टेम्परेचर दो जगह आ रहा है, एक यहां पर और एक यहां पर, टेम्परेचर दो जगह अपीयर हो रहा है। यहां पर डिनोमिनेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगी, यानी वाई की वैल्यू कम होगी, लेकिन यहां पर भी टेम्परेचर तो डिनोमिनेटर में है लेकिन यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेगेटिव वैल्यू कम होगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ने पर वाई बढ़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ने पर वाई, टेम्परेचर बढ़ने पर वाई की वैल्यू कम हो, यानी दो अलग अलग पार्ट है। यही वाला केस हो गया एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स, जब हमने इसका कर्व प्लॉट किया था तो इस तरह से आया था। एक्स बढ़ने पर अगर हम देखें, यहां से देखें तो वाई बढ़ना चाहिए लेकिन यहां से देखें तो वाई कम होना चाहिए, बट अब इफेक्ट क्या आ रहा है, कुछ रेंज तक तो एक्स बढ़ने पर वाई बढ़ रहा है और कुछ रेंज के बाद एक्स बढ़ने पर वाई कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक इस रेंज में ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही है और इस रेंज में ये वाली टर्म डोमिनेट कर रही है, तो क्यों ना हम यहां पर भी ऐसा ही कुछ कर लें। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, 1 upon dn, 1 upon du, dn upon n, 4 pi m upon 2 pi rt, c by 2 u square m, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, एक ये और दूसरी, ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट, इसमें भी m की टर्म है, t की टर्म है, इसमें भी m की टर्म है और t की टर्म है। अब यहां पर देखा जाए इसमें भी u की टर्म है, इसमें भी u की टर्म है। अगर हम इसका इसको जब हमने प्लॉट किया तो अगर हम इस चीज को देखें तो इनिशियली u बढ़ने पर, इनिशियली अगर जब u बढ़ रहा है तो y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब u बढ़ रहा है, यहां पर भी u है, यहां पर भी u है, लेकिन u बढ़ रहा है तो y की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कौन सा पार्ट डोमिनेट कर रहा है, फर्स्ट पार्ट। और इसके अकॉर्डिंग हम देखें u बढ़ने पर y कम हो रहा है, तो कह सकते हो कि इस कर्व में इनिशियली फर्स्ट पार्ट डोमिनेट कर रहा है और फाइनली सेकंड पार्ट डोमिनेट कर रहा है। तो अगर आपको इस पार्ट पर कुछ भी कमेंट करना हो तो फर्स्ट पार्ट से ही कंक्लूड कर दो, सेकंड पार्ट को कंसिडर मत करो। और अगर आपको इस पार्ट में कुछ भी कंक्लूड करना है तो आप सेकंड पार्ट को कंसिडर करो, फर्स्ट पार्ट को नेग्लेक्ट करो। जैसे अब मैं बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। ये कर्व हमने प्लॉट किया था, ये किसी T1 टेम्परेचर पर था। अब मैंने यहां पर टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे ही मैंने यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया
इस पार्ट में मुझे देखना कि ये कर्व कैसे शिफ्ट हो गया। अब जो कर्व होगा वो इसके ऊपर से जाएगा या नीचे से जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली इस रेंज में अगर हम देखें तो इस पार्ट से डिसाइड करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस वाई की वैल्यू कम होगी, यानी टी टू टेम्परेचर पर जो कर्व होगा, टी टू टेम्परेचर पर जो कर्व होगा वो इसके नीचे से जाएगा, वो इसके नीचे से जाएगा। लेकिन यही हायर टेम्परेचर पर देखें तो ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा और इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ेगी, तो हायर टेम्परेचर पर ये कर्व कुछ इस तरह से जाएगा। हाँ, अभी ये कर्व पूरा नहीं प्लॉट हुआ, हमें इसको इससे कनेक्ट करना है। ये बस मैंने इस रेंज में और इस रेंज में बताया आपको, यहाँ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे कनेक्ट होंगे, मैक्सिमा कहाँ जाएगा, मैक्सिमा क्या इससे भी और ऊपर जाएगा या मैक्सिमा इससे नीचे जाएगा, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा, ये अभी हमें और डिसाइड करना है। कुछ याद आ रहा है, अभी जस्ट हमने यही डिस्कस किया था यूएमपीएस के केस में। क्या कहा था मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने पर यूएमपीएस की वैल्यू बढ़ती है, यानी पहले यूएमपीएस यहां था तो अब यूएमपीएस इसके आगे होगा, यानी मैक्सिमा इससे इस तरफ शिफ्ट होगा, मैक्सिमा इस तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो कि यूएमपीएस से मूव कर रहे हैं वो कम होंगे, यानी मैक्सिमा शिफ्ट तो इस तरफ होगा लेकिन उसकी हाइट कम हो जाएगी, यानी ये कर कुछ इस तरह से, हाइट जो है वो कम हो गई। समझ में आया लॉजिक, यूएमपीएस पहले यहां था, यूएमपीएस यहां चला गया, यानी यूएमपीएस की वैल्यू बढ़ गई। यस, टेम्परेचर बढ़ने पर यूएमपीएस बढ़ना भी चाहिए, ये डैश, ये टी टू टेम्परेचर पर, ये टी वन पर, और वे टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। तो UMPS बढ़ गया लेकिन फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम हो गए, तो हाइट जो है वो कम होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसको यूं कह सकते हो, ये जो कर्व है ये थोड़ा नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, फ्लैटनिंग हो रही है। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्व और ज्यादा क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, यानी कर्व जो है वो फ्लैट होता जा रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट हुआ। टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, यही अगर हम मॉलिकुलर मास चेंज कर रहे हैं तो। अब यहां पर बड़ा सिंपल है, टेम्परेचर और मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास अगर न्यूमरेटर में तो टेम्परेचर डिनोमिनेटर में, यानी मॉलिकुलर मास का और टेम्परेचर का इफेक्ट हमेशा अपोजिट होगा। दैट मीन्स अगर यही अब मॉलिकुलर मास बढ़ाएंगे, ये किसी एम वन टेम्परेचर पर है, अब अगर मॉलिकुलर मास बढ़ाएंगे तो यूएमपीएस बढ़ेगी नहीं, यूएमपीएस कम होगी, यानी ये मैक्सिमा इधर शिफ्ट होगा, राइट, मैक्सिमा इधर शिफ्ट होगा, और कर्व जो पहले नीचे से गया था अब यहाँ ऊपर जाएगा, यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ ऊपर यहाँ नीचे, और मैक्सिमा यूएमपीएस इधर शिफ्ट होगा और मैक्सिमम हाइट बढ़ेगी, तो ये कर्व कुछ M2 is greater than M1. Questions बड़े सिंपल से आएंगे, जो भी questions बन सकते थे वो सब मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब और कुछ नया question नहीं बनेगा, question यही बनेंगे। अगर JEE में भी question आएगा ना तो पता क्या आएगा कि अगर T1 टेम्परेचर दे रखा है, ये T2 ये T3, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कंपेयर T1 T2 T3, या T1 टेम्परेचर का कर्व दे रखा है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा T2 टेम्परेचर का कौन सा कर्व होगा, चार ऑप्शन गिवन होंगे जिसमें इंटरचेंज होगा, किसी में T1 T2 इधर होगा, किसी T2 T1 इधर होगा, या ये हो सकता है T1 T2 सेम कर्व हो, इस तरह के ऑप्शन गिवन होंगे। बट मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, ड्यूरिंग ए कर्व टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एक जब कर्व प्लॉट करो थ्रू आउट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, यहाँ थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, हाँ बट हमने दो कर्व प्लॉट किए अलग अलग टेम्परेचर पर या अलग अलग मॉलिक्यूलर मास के। तो क्वेश्चंस बड़े सिंपल से आते हैं,
कुल मिला के 6, अभी ठीक है मैंने नंबर्स बढ़ा के बताए, लेकिन आप इनको क्लब भी कर सकते हो, क्योंकि इफेक्ट यहाँ पर बात करें जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वही ऑलमोस्ट मॉलिक्यूलर, ऑलमोस्ट इन द सेंस उसी लॉजिक से आता है, तो दोनों के इफेक्ट के लिए अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिक्स्ड क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, क्वेश्चन यही बनेंगे, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होंगे। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है ये बस आपको याद रखने, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाँ, आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर जो सेकंड चैप्टर है उसमें नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आगे 12th में भी इसका यूज आएगा। काइनेटिक्स के अंदर ये सारी ये जो कर्व्स हैं ये सब दे रखे हैं, तो आगे चल के इनका एप्लीकेशन है, इसीलिए हमें यहाँ पर इनका समझना बहुत जरूरी है, और जेई में भी इस पर क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, तो ये कर्व हमने यहाँ पर प्लॉट किए, इसका एप्लीकेशन यहाँ पर देखा, और एक अच्छी चीज हमें क्या पता चली कि गैसेस की स्पीड कितनी होती है, वो उसका हमें आइडिया तो लगा। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि 5 मीटर पर सेकंड होती है, 5000 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन अब हमें आइडिया है कि गैसेस की स्पीड कितने किलोमीटर पर आवर होती है, 300, 400, 500, 700, यानी इस 3 डिजिट में कह सकते हो या 4 डिजिट में कह सकते हो, इस रेंज में गैसेस की स्पीड होती है, ये हमें पता चल गया। राइट, चलिए एक दो क्वेश्चंस और यहां पर कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस दो, अगेन बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहां पर जेई में नहीं पूछे जाएंगे, ये भी मैं आपसे कह सकता हूं, फिर भी कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स है वो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। एक और क्वेश्चन यहां पर करते हैं, फाइंड फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स having speed between UMPS से UMPS plus F of UMPS, ये एक तरह की रेंज मैंने आपको दे दी, DU की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये DU ही हो गया एक तरह से, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको आपको दिया है कि F जो है वो 1 से बहुत कम है, दैट मीन्स जो रेंज है वो बहुत छोटी है, तो अगर रेंज बहुत छोटी है तो बिना इंटीग्रेशन के भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा DU और ये हमारा क्या हो गया U, राइट। तो अब वापस इसी फॉर्मूले में पुट कर दें, dn upon n equals to 4 pi, इस pi को मैं बाहर निकाल के लिख रहा हूँ, तो pi की पावर 3/2 m upon 2rt की पावर 3/2 umps है, तो ये तो e की पावर माइनस वन आ जाएगा, du की जगह 2rt by m आ गया, और नहीं सर u स्क्वायर की जगह ये आ गया, u स्क्वायर की जगह ये आ गया, और du की जगह हमें क्या लिखना, f of umps, तो f into UMPS, UMPS मतलब under root 2RT by M, तो 2RT by M की power half, 2RT by M की power 1, तो total कितना हो गया 3/2, या M upon 2RT की power 3/2, तो ये सारी terms क्या हो गए, cancel out, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 upon root 5 e की power minus 1 into F, इस expression में कोई M की term नहीं है, कोई temperature की terms नहीं, सब कुछ cancel out हो गई, मतलब इसका ये है कि चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो चाहे हीलियम हो, सबके लिए इस रेंज में जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे, सबके लिए इस रेंज में जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो सेम होंगे, वो अलग अलग नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखना रेंज क्या है, UMPS प्लस F ऑफ UMPS है, प्लस 1 प्लस 2 ऐसा नहीं है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया, याद करो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, मैं लिख देता हूं इसका आंसर, u dn upon n बिटवीन, ये मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं साथ, तो यहां पर कोई एग्जैक्ट नहीं बट मेरे को जो कुछ याद आ रहा है, m अप 4 अपॉन रूट 5 m अपॉन 2 rt
की पावर हाफ ई की पावर माइनस वन आया था। ये कहां से कहां तक? यूएमपीएस टू यूएमपीएस प्लस वन। ये अलग रेंज है, ये अलग रेंज है। हाँ, ये मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर पे डिपेंड करी है। अगर यूएमपीएस से यूएमपीएस प्लस वन ऑक्सीजन के लिए, इस रेंज में ऑक्सीजन के लिए पार्टिकल निकाल रहे हो, नाइट्रोजन के लिए निकाल रहे हो, हीलियम के लिए निकाल रहे हो, तो सेम नहीं आएंगे। बट इस रेंज में निकालोगे तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम सबके लिए सेम होंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। ये तो याद रखना ही आपको, बट इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। Dn upon n for oxygen having speed between 1। सब कुछ यही है बट O2 की जगह N2, और यहां पर चलो मैं at T1 कर देता हूं और यहां पर भी at T1। क्या कहते हो? यस आंसर इज 1। अच्छा, यहां T1 और यहां T2 कर दूं तब भी आंसर 1 ही रहेगा, यहां T1 या T2 कर दूंगा तब भी आंसर 1 ही रहेगा। लेकिन अगर ये dn upon n for O2 having speed between UMPS to UMPS plus 1 at T1 क्या ये भी 1 है? नहीं, ये ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि अब यहां पर जो फ्रैक्शन है वो n पर m पर डिपेंड करा, जिसका m ज्यादा होगा उसका फ्रैक्शन ज्यादा होगा, यानी ऑक्सीजन का फ्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए ग्रेटर देन 1 होगा। और यहां पर टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो फिर रिजल्ट भी चेंज होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो dn upon n for O2 having speed between U average to U average plus F of U average क्या लगता है? ये रेशियो क्या होगा? 1 या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? बोलो क्या लग रहा है? कुछ नहीं, फिर से फॉर्मूला लगाओ। अभी तक आप U की जगह क्या पुट कर रहे थे? UMPS। अब हम U की जगह क्या पुट करेंगे? U average under root 8RT by pi m पुट करेंगे, राइट? पहले चलिए निकाल लेते हैं U average। dn upon n की वैल्यू क्या आएगी? dn upon n 4 pi या 4 upon direct root pi लिख देता हूँ ये तुम्हें, m upon 2RT की पावर 3/2 यू स्क्वायर की जगह 8RT बाय पाई एम ई की पावर माइनस एम अपॉन 2RT यहां पर रह जाएगा 4, तो
e की पावर माइनस 4 बाय पाई f इंटू 8 अब यहां पर देखा जाए यस m और t तो कैंसिल आउट हो गए लेकिन अब यहां पर e की पावर माइनस 1 नहीं आया e की पावर माइनस 4 बाय पाई लिख देता हूं e की पावर माइनस 4 बाय पाई अच्छा यहां पर भी देखें तो m अपॉन 2rt की पावर 3 बाय 2 तो m अपॉन rt इसको मैं ऐसे कर लेता हूं 4 और 2 यहां पर भी ऐसा करता हूं 4 into 2 है बेसिकली ये 42 नहीं है ध्यान रखना तो 2RT by M, 2RT by कर जाएगा, तो 4 upon pi की पावर, 3 by 2 की टर्म, रह जाएगी, 4 upon root pi, हाँ, लेकिन ये भी M और T के तो क्या आया, independent आया, ठीक है, constant values बदल गई, fraction बदल गया, लेकिन वो M upon, M और T के तो independent है, तो ये ratio भी 1 ही होगा, ये ratio भी 1 ही होगा, ठीक है देन अब ये जो कर हमने प्लॉट किया था या जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी ये स्पीड में थी यानी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जिसकी स्पीड इस रेंज में होगी सपोज करिए आपको रादर देन स्पीड ये फाइंड आउट करना कि कितने मॉलिक्यूल की स्पीड 100 किलो जूल से 200 किलो जूल के बीच में है या 200 किलो जूल से 300 किलो जूल के बीच में काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें कि कितने मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी 100 से 200 किलो जूल के बीच में है 200 से 300 किलो जूल के बीच में ये अब हमें फाइंड आउट करना है तो हम मैक्सवेल इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन को हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कैसे वो मैं अब आपको बता रहा हूं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी को अब मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा ठीक है काइनेटिक एनर्जी लिख लो यहां पर ऐसे हाफ एम यू स्क्वायर इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो डी ई इक्वल्स टू हाफ एम टू यू डी तो यहां से एक तरह से डी यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी टू से टू कैंसिल वन अपॉन एम यू ठीक है अभी देखते ये वैल्यू आई डी यू की और इसी को मुझे थोड़ा रीअरेंज करना है वो मैं कैसे कर सकता हूं तो ई m से दोनों तरफ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को मैं इधर लेके आ गया तो m और u तो m u का क्या हो गया होल स्क्वायर तो m u की वैल्यू किसके बराबर हो गई अंडर रूट 2 m e वो मैं यहां पुट कर रहा हूं तो अंडर रूट 2 m e की पावर हाफ ठीक है अब वापस से मैक्सवेल इक्वेशन में लिख रहा हूं यहां पर डी एन अप इक्वल्स टू 4 पाई एन एम अपॉन 2 पाई आर टी अब ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन यहां पर ये कैपिटल एम जो है वो क्या मोलर मास है और यहां पर जो हमारा एम है वो एक सिंगल पार्टिकल का मास है तो मोलर मास और एक सिंगल पार्टिकल के मास में क्या रिलेशन एम इंटू एन राइट तो यहां पर मैं इस कैपिटल एम की जगह क्या लिख सकता हूं स्मॉल एम इंटू एन ए स्मॉल एम इंटू एन ए और वो एन ए जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो आर अपॉन एन ए हो जाएगा और आर अपॉन एन ए को हम क्या लिख सकते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो के इक्वल्स टू जिसे हम ये पहले भी मैं यूज कर चुका हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट
तो आप चाहो तो यहां पर इसी को मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं m, इसको आप इधर लिख दो पहले r अपॉन n, तो r इक्वल्स टू k n, m अपॉन r की वैल्यू किसके बराबर होगी, स्मॉल m अपॉन k, तो यहां पर 4 पाई n स्मॉल n, इस पाई को बाहर निकाल लिया मैंने, 3 बाई टू टू के टी स्मॉल m अपॉन k e की पावर माइनस स्मॉल m u स्क्वायर 2 के टी u स्क्वायर डी। अब हम इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो du की जगह मैं ये वाली टर्म लिख सकता हूं और u की जगह क्या आ जाएगा, ये u स्क्वायर, तो 2e by m, 2e by m, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर, तो 4 अपॉन रूट पाई, चलिए इस dn अपॉन n को तो मैं इधर ही लिख देता हूं, m अपॉन 2 kt, सॉरी इसकी पावर नहीं लिखी हमने, 3 बाई टू, 3 बाई टू e की पावर हाफ एम यू स्क्वायर दीजिएगा e, तो माइनस e की पावर माइनस e बाई kt, u स्क्वायर की जगह 2e by m और du की जगह 2m, सॉरी सब जगह स्मॉल m ही है, 2me की पावर हाफ अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये वाली लाइन यहां से हटा रहा हूं, ये पता है बहुत बार लिख चुके हैं, ये भी हटा देता हूं, तो डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू एम, एम की पावर हाफ, तो ये एम वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये टू और ये और एक e की पावर हाफ और e की पावर वन और तो नहीं है, तो यहाँ e की पावर हाफ आ जाएगी, ये टू और ये टू, ये टू की पावर वन और टू की पावर हाफ, तो रूट टू, तो फोर रूट टू रूट पाई एम कैंसिल आउट हो गया, वन अपॉन टू के टी की पावर थ्री बाई टू ई की पावर माइनस ई बाई के टी, टू तो कंसिडर कर लिया, तो रूट ई इंटू डी, और इस टू को भी अगर हम बाहर निकाल दें तो टू रूट टू, तो ये यहां पर रह जाएगा टू अपॉन रूट पाई के टी की पावर थ्री बाई टू ए की पावर माइनस के टी अंडर रूट ई इंटू डी। और इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं, कर्व इसका भी उसी तरह से होगा, कर्व इसका भी इसी तरह से होगा, इस डीई को इधर लेके जाओगे तो कर्व जो आएगा वन अपॉन DE DN upon N against kinetic energy, ये कर्व इसी तरह से होगा। और लेकिन अब इसका एरिया आपको क्या बताएगा, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जिनकी काइनेटिक एनर्जी E1 से E2 के बीच में होगी, वहां स्पीड की बात कर रहे थे, यहां काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे, तो ये Y और ये x, तो यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में, इससे पहले जो हमने प्लॉट किया था वो स्पीड की टर्म्स में था, कर दोनों एक जैसे ही दिखेंगे आपको, कर में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन अगर काइनेटिक एनर्जी पर आते हैं तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्पीड के लिए आते हैं तो जो पहले मैंने डिस्कस किया था वो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कि सर आपने तो हमें स्पीड के लिए कर बनाया था,
स्पीड भी हो सकती है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। अगर काइनेटिक एनर्जी है तो यहाँ ई, तो यहाँ पर 1/d। ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्टली किसी रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बीच में कितने पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इस पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने के चांसेस जेई में बहुत कम है, हाँ, बट थियोरटिकल क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, थियोरटिकल, बिकॉज ये सब आप खुद, एक्चुअली क्या होता है, सिलेबस एज सच कोई बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं होता है, ये तो थॉट प्रोसेस है, हम सोच रहे हैं तो थॉट प्रोसेस है, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, जेई में भी इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो आइडिया होना चाहिए, थोड़ा मैथमेटिकल ज्यादा है, 2-3 बार लिखोगे, लिखना पड़ेगा आपको, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा दिखता बोर्ड पर, कितना सारा क्या लिख गया, तो ऐसा नहीं कि बार बार रीडिंग लगा रहे हो, आपको बार बार इसे लिखना पड़ेगा, लिखोगे तब जाके अपने आप अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मैक्सवेल इक्वेशन, इसी का एक एप्लीकेशन वाला पार्ट और है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अभी तक हमने ये फाइंड आउट किया कि एक कंटेनर में कितने स्पीड मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एक कंटेनर के अंदर पर सेकंड कितने कोलिजन्स होंगे, क्योंकि इतनी स्पीड से जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तो पर सेकंड इनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बहुत सारे होंगे, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने होंगे वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।